क्या कहना चाहेंगे इस चीज पे आप? देखिए जी, मसला ये है कि 30 साल हमने मेहनत की और 30 साल हर साल मुहर्रम की मीटिंग गवर्नमेंट बुलाती थी। हमारा सबसे पहला मुतालबा ये होता था कि जितने भी मुहर्रम के जुलूस हैं उनको इजाज़त दी जाए ताकि हम ये जुलूस निकालें। 30 साल के बाद अल्लाह का करना है कि गवर्नमेंट ने परमिशन दिया कि आप जुलूस निकाल सकते हैं, तो इंशाल्लाह हालात ठीक हैं। कोविड है उसको नज़र में रखते हुए हम ये जुलूस इंशाल्लाह निकालेंगे। लोग इसकी मुखालफत करते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि वाकई अगर वो आशिक़े इमाम हुसैन हैं वो आके इस जुलूस में शामिल हो जाएं, ताज़ेदारी में शामिल हो जाएं, घर बैठे बयानबाजी न करें, कोई ठोस चीज़ बताएं, वो ठोस चीज़ उनके पास नहीं है। वो मुखालफत बराए मुखालफत का जो उनका हमेशा से रवैया रहा है वो छोड़ दें। ये सही है कि उन्होंने एक पॉइंट उठाया है, बेशक ये उनका ही पॉइंट नहीं है, हम तमाम आमतुल मुस्लिमीन का पॉइंट है कि जामा मस्जिद बंद है उसको खोला जाए। हम भी चाहते हैं कि जामा मस्जिद खुलनी चाहिए, वो हमारी शान है, वो हमारी आन है। जामा मस्जिद उसका अपना मुकाम है और ये सालों से बंद है, खुलनी चाहिए ताकि लोग तमाम मुसलमान उसमें जुमे के दिन जाके नमाज जुमा अदा करें। हम खुद ये चाहते हैं, लेकिन ये कौन सी बात हुई पहले जामे मस्जिद को खोलो फिर मुहर्रम का जुलूस निकालेंगे? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर भी ये जामे मस्जिद बंद थी, जब आप लोगों ने बड़गाम में जुलूस निकाला, सिक्योरिटी के हिसार में चल रहे थे आप, जुलूस की क़यादत करते थे आप, हमने तो उस वक्त आपको कुछ नहीं कहा। आपने उस वक्त ये रेज क्यों नहीं किया पहले जामे मस्जिद को खोलो फिर मैं जुलूस के में से शामिल हो जाऊंगा? ये दोगलापन क्यों, ये दो मियार क्यों?